उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनका नाइट ड्यूटी थी, उस वक्त उन्हें टेलीफोन पे खबर मिली कि कुछ एक्सीडेंट होली फैमिली हॉस्पिटल के पास हो गया है, उसके लिए वो उनका जो कांस्टेबल थे उनको साथ लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लैंड क्रूज़र गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 4 आदमी लोग को इंजुरी हो गई थी और एक गाड़ी के नीचे मर गए थे, और इसके लिए उन्होंने उस जगह का पंचनामा किया और जो इंजर्ड थे उन्हें सब हॉस्पिटल में भेजा और जो डेड हो गए थे उनकी बॉडी हॉस्पिटल में भेजी। रविंद्र पाटिल एक कांस्टेबल थे और उस वक्त आरोपी के बॉडीगार्ड थे, और जब ये जगह पे पहुँचे ये ऑफिसर, तभी रविंद्र उधर हाजिर थे, रविंद्र पाटिल, तो उनको लेके उनसे सब मालूमात करके उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया और उनकी शिकायत दर्ज की गई। देखिए, इसमें जो साक्षीदार है, जिन्होंने क्लेम किया कि हमने एक्सीडेंट देखा, वो उन्होंने जो देखा वो पूछना हमारा काम है, और उन्होंने जो देखा वो कोर्ट के सामने बताया है। तो इन्होंने बताया है कि जो उसकी लेफ्ट साइड की जो व्हील थी आगे की वो बस्ट हो गई थी करके। ये जगह पे पहुंचे थे, इन्होंने जगह पे पंचनामा किया था, इन्होंने जो इंजर्ड थे उसको हॉस्पिटल में भेजा था, गाड़ी जो है इन्होंने क्रेन से उठा के पुलिस स्टेशन में लाई थी, दूसरे दिन जाके जगह पे इन्होंने जगह का मैप निकाला था, इंजर्ड का इन्होंने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया था, और आरोपी के लिए उन्होंने ढूंढा था कि वो कहाँ है करके, लेकिन उन्हें मिले नहीं आरोप। कल इनका जारी रहेगा, और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जो सीनियर PI है शेंगाल साहब, जिन्होंने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया था, उनकी साक्षी होगी कल। थैंक यू।